Hello everyone. In this video, guys, I'm gonna share crane hazards. That means mobile crane hazards के बारे में इस वीडियो में guys हम discuss करेंगे. तो guys इससे पहले वीडियो में हमने part one, part two जो दोनों part हमारे completed है and safety modern study channel पे uploaded है. तो part one, part two जिसमें हमने introductions and other related like crane का use कैसे होता है, mobile crane होती क्या है, वो सब सारी चीज़ें गाइज हमारी कंप्लीटेड है. बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्रेन हैजार्ड्स. डेट मीन्स मोबाइल क्रेन के क्या हैजार्ड्स होते हैं, क्रेन के जो खतरे होते हैं जब उसको हम यूज़ करते हैं तो कौन क्रिएट करता है, जनरेट करता है. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रेन के बारे में अगर उसके हैजार्ड्स जानेंगे तो जो क्रेन के हैजार्ड्स होते हैं वो होते हैं क्रेन का कोलैप्स हो जाना. क्रेन कोलैप्स हो जाती है उसके बाद में जो है क्रेन का कोलैप्स हो जाना और वेदर कंडीशन, एडवर्स वेदर कंडीशन जो है ये भी एक हैजार्ड है हमारा. उसके बाद में है क्रेन ऑपरेट अनऑथराइज पर्सन. जो भी अनऑथराइज पर्सन है अगर क्रेन को ऑपरेट करते हैं तो भी हैजार्ड्स है क्योंकि उनको ऑथराइजेशन ऑथराइज नहीं है, वो उनको ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, वो सर्टिफाइड नहीं है तो वो इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं. उसके बाद में वेरिकेशन नॉट अप्लाई बिफोर लिफ्टिंग एक्टिविटी. अब ऐसी सिचुएशन जब हमें वेरिकेशन करना हो तो उस दौरान हम वेरिकेशन नहीं अप्लाई किए हैं और उसमें जो है लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो इस दौरान जो है ये हैजार्ड्स जनरेट हो सकते हैं, लोगों को क्षति हानिग्रस्त हो सकते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अनइवन ग्राउंड सरफेस, अनइवन ग्राउंड कंडीशंस यू कैन से गाइस. इसमें भी जब अनइवन ग्राउंड सरफेस होता है, जब सतह ऊपर नीचे होती है लाइक अ स्टेयर, जिस तरीके से हमारे घरों की सीढ़ियाँ होती हैं, अगर उस तरीके से अनइवन है तो उस सतह पे अगर हम वर्क करते हैं और स्टेबिलिटी वो नहीं मिल पाती है क्रेन को तो वहाँ पे क्रेन जो है ट्रॉपल हो सकती है, पलट सकती है. उसके बाद में गाइज इक्विपमेंट का फेलर होने जाना, क्रेन के जो इक्विपमेंट्स है वो फेल हो जाएंगे, फॉल ऑफ लोड हो सकता है, ओवरहेड पावर लाइंस के भी मामले होते हैं गाइस जिसमें बूम जो होता है, जो टेलीस्कोपिंग बूम होता है वो ज़्यादा हाइट तक ले जाने से ओवरहेड जो पावर लाइंस होती है उसके कांटेक्ट में आने से गाइस हैजार्ड जनरेट होगा, उसके कारण जो है क्रेन में आग लग सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ड्राइवर को भी इंजर्ड हो सकता है और क्रेन भी जो है लॉस हो सकती है. तो प्रॉपर्टी का भी लॉस है और जो है फिजिकली किसी वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, ड्राइवर्स को भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, उसको भी हार्म हो सकता है. ये सारी चीज़ें गाइज हमारे हैजार्ड्स हैं. और उसके बाद में गाइज पर्सन कोई होता है यू कैन से गाइज पर्सन स्टैंडिंग बिलो द सस्पेंडेड लोड. अगर कोई पर्सन है वो सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा हुआ है तो लटका हुआ कोई ऑब्जेक्ट्स है, कोई लोड है लिफ्टिंग के दौरान, सस्पेंडेड लोड के दौरान, तो वो मे बी वो गिर सकता है और उसके ऊपर जो है चोट लग सकती है, वो इंजर्ड हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं. तो ये सब सारे जो गाइस हमारे जो हैं हैजार्ड्स होते हैं, मोबाइल क्रेन हैजार्ड्स होते हैं. और नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टावर क्रेन, फिर अदर बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी. तो आई होप गाइस आपको जितने मैंने क्रेन के हैजार्ड्स बताया आई थिंक आपको समझ में आएगा. यदि कोई डाउट है गाइस तो कॉमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल आंसर. थैंक यू सो मच गाइज़.